पान। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। अगेन आई ब्रॉट अ वन मोर सेशन ऑन दिस जीओसी आइसोमेरिज्म बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली इससे तुम्हारे एक से दो क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कहना इनजस्टिस होगा, ज़्यादातर दो क्वेश्चंस आते हैं। इन मेनी ऑफ द अटेम्प्ट्स इट हैज़ बीन सीन कि आइसोमेरिज्म और जीओसी या तुम्हारा क्वांटिटी कुछ भी तुम्हारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक या फिर तुम्हारा जो जिसमें तुम स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह पढ़ते हो ना, वो सब कुछ मिला मिलू के यानी कि दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं जीओसी और आइसोमेरिज्म को मिला के। सो फॉर टुडे वी डिसाइडेड कि इस पे दोबारा से एक और सेशन लेते हैं, रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे टुडे आई ब्रॉट अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2022। जो हमारे जुलाई 2022 अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए थे ना, आई हैव ब्रॉट दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और एक बार ही गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि क्या आया था और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो गाइज लेट मी टेल यू, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके यानी कि सिर्फ और सिर्फ जुलाई के पेपर में अगर तुम लोग देखोगे तो ओवरऑल यू विल सी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पोर्शन से आए हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली 20, यानी कि 20 क्वेश्चंस आए हैं 10 से 11 अटेम्प्ट्स में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि मेजरली आर्क्स टॉपिक है, ज़्यादातर अटेम्प्ट्स में तुम्हारे एक साथ दो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि भाई ये टॉपिक तो करके ही करके जाना है। अब जब मैं जीओसी की बात करती हूँ तो जीओसी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ना, मतलब जीओसी के अंदर ही आ जाते हैं, जैसे कि जीओसी इंक्लूड्स बात कर लेते हैं। जीओसी इंक्लूड्स योर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के साथ साथ इसमें जो तुम्हारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का, इन सब का एस्टिमेशन है ना, इन सब का क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन और साथ ही साथ इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी तुम्हारे सिलेबस में आता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा प्योरिफिकेशन टेक्निक्स भी आता है, प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, जितनी भी तुम्हारे प्योरिफिकेशन टेक्निक्स होते हैं वो सब भी आते हैं। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ जीओसी चैप्टर जो कि क्लास 11th का है। तो लेट्स बिगिन विद इट, शुरू करें। अब हियर वी हैव अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के लिए यू प्लीज चेक माई पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने ये क्लास स्किप कर दी थी बट मैंने एक टॉपिक लिया था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ मैंने ये सारे क्वेश्चंस ना डिस्कस किए थे जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि जेल्डाल मेथड किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए होता है। ठीक है, तो उसको तुम क्वांटिटेटिवली कैसे करोगे, तो दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। इट्स बेटर यू अटेंडेड फ्रॉम देयर। तो अगर तुमने इस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ, इसी पर्टिकुलर चैनल पर वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से मैंने लिया था। ठीक है, जिसमें ये सारे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस मैंने लिए थे, तो ये तुम वहाँ से करोगे। ठीक है, याद है ना, काफ़ी बच्चों को भी मैंने लिया था, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम अगेन। ठीक है, सो हियर वी हैव द अनदर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन एन असाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया है कितने नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे किसी भी असाइक्लिक, यानी कि तुम्हें साइकिल नहीं बनानी है, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। तो इसके लिए क्या तुम मुझे DB रूल बता सकते हो, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। प्लस वन माइनस का H+N/2, तो H+N/2 होता है ना, 3 आया, वेरी गुड। तो इसका जो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी कि पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी कि मेरे पास 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड टू बी। तो अब आपके पास C4 है, यानी कि मुझे साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, C4 हो गया, N हो गया। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू दैट, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज H2, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे एक भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी एक NH आना चाहिए। तो यानी कि C4 1 2 3 4 5,
यानी कि 5 हाइड्रोजन हो गए और एक नाइट्रोजन हो गया, इज इट ऐसा कुछ करें? या फिर कंपाउंड विद द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, या फिर तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू साइनाइड बना सकते हैं ना, वी कैन हैव अ साइनाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप. तो फिर क्या आएगा, अगर इस तरह का मैं कंपाउंड बनाती हूँ तो जरा चेक करो 3 और 1 4 और 1 5, हाँ यहाँ पे भी क्या आ रहा है तुम्हारा, C4H5 और Ne आ रहा है. सो आई थिंक दिस इज द मोर एक्यूरेट आंसर. हियर वी हैव द 2 पाई बॉन्ड्स, ये हो गए और 1 पाई बॉन्ड ये हो गया, तो मेरे पास कितना sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है इसके लिए, यानी कि 1 आ रहा है. तुम्हारा 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने यहाँ गलत कर लिया, ये मैंने भी गलत कर दिया तो तुमने भी गलत कर दिया. दिस इज एच माइनस एन बाई टू. अब करो इसे, यानी कि सी प्लस वन माइनस का एच माइनस एन बाई टू. तो यानी कि सी कितना था, 4 था, प्लस 1 माइनस का एच, हाइड्रोजन कितने हैं यानी कि 5 है, माइनस एन कितना है, 1 है, तो इसका होल का बाय 2. तो 4 और 1 5 हुआ, 5 माइनस 5 माइनस 1 इज 2 वो सॉरी 4 4 बाई 2 इज 2. तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, 3 आएगा. ये करेक्शन करो, दिस इज एच माइनस एन बाई टू. तो ये क्या होता है, सी प्लस वन, इसमें सी कार्बन का लेते हैं, हाइड्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं, तीनों का लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन और हेलोजन नहीं लेता है. तो दैट इज सी प्लस वन माइनस एच माइनस एन बाई टू. ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द अनदर क्वेश्चन. 1 होगा. अब ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होनी चाहिए. अब देखो इन सभी क्वेश्चंस में क्या होगा, व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये तुम्हारा क्या है, दीज आर ऑल द फिनॉल्स, है ना. तो ये जब तुम सभी फिनॉल्स में देखोगे तो व्हाट यू सी कि ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बना, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बना, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बना, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बना. अगर ये सारे के सारे एसिड्स अगर प्रोटोन दे देंगे तो ये हमारे कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, एंड द कॉन्जुगेट बेस हैज टू बी स्टेबल. तो हमारे पास स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए. तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. तो अब जल्दी से देखो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी. जब ज़्यादा माइनस एम और माइनस आई वाले ग्रुप लगेंगे तो माइनस एम माइनस आई, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद प्लस आई और उसके बाद प्लस का एम, यानी कि आपको ये ऑर्डर लगाना है, ठीक है. तो अब देखो जब ये NO2 की बात करेंगे तो ये इस तरीके का होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है, तो ए में तो हो गया तुम्हारा माइनस एम इफेक्ट. यहाँ पे क्या होगा, क्या ये मेटा पे माइनस एम शो करेगा क्या, नहीं, ये यहाँ पे माइनस आई लगेगा. यहाँ पे क्या होगा, ये जो है तुम्हारा ऑक्सीजन जब ये बेटा पे लगा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, नहीं, यहाँ पे कोई प्लस एम नहीं लग रहा, ये प्लस का ये प्लस एम नहीं लग रहा, बल्कि ये भी क्या है एक तरीके का, इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना, है ना, यानी कि रेजोनेंस ना होके इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा. और इसका अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ओ ऑक्सीजन के केस में कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि ये भी एक तरीके का माइनस आई ही शो करेगा, माइनस आई ही शो करेगा, है ना, माइनस आई ही शो करेगा. और ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा फिर यहाँ बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली ये प्लस का एम शो करेगा. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, माइनस एम वाला, माइनस एम यानी कि ऑप्शन नंबर ए. फिर उसके बाद तो मैं माइनस आई इसमें भी दिख रहा है, माइनस आई इसमें भी दिख रहा है, इसे रब कर लो, दिस इज माइनस आई. ओ सी एच थ्री या तो प्लस एम देता है या फिर माइनस आई देता है. तो अगर ये आपका माइनस आई है तो ये क्या हो गया, माइनस आई वाला ये भी है और ये भी है, बट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, एनओ टू, एनओ टू ज़्यादा स्टेबल करेगा. तो इसीलिए हमारा फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा सी, और सबसे लास्ट में जो प्लस एम वाला है दैट इज़ द डी. तो दिस इज़ योर आंसर. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए. इज़ इट क्लियर टू एवरी वन, इज़ इट क्लियर, नाइस इनफ. तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
let's see what it is given. The separation of two colored substances was done by paper chromatography. यानी कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी लिया और हमने हमारे पास सॉल्यूशन था ए और बी, उन दोनों को सेपरेट किया बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी फ्रॉम द बेसलाइन आर, यानी कि जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि ये मेरा सॉल्वेंट है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 3.25 सेंटीमीटर. और जो मेरा कंपाउंड ए था, तो मेरा कंपाउंड ए था उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 2.08 सेंटीमीटर, 2.08 सेंटीमीटर. और जो मेरा कंपाउंड बी था उसने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.05 सेंटीमीटर. द रेशियो ऑफ आर एफ वैल्यूज ऑफ ए टू बी, तो यानी कि आर एफ वैल्यू फॉर द कॉम्पोनेंट ए अपॉन द आर एफ वैल्यू फॉर द कॉम्पोनेंट बी कैसे निकालते हो, वट इज द आर एफ वैल्यूज, आई हैव मेक यू राइट द फॉर्मूला फॉर द आर एफ, लिखवाया है ना फॉर्मूला. तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2.08 विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट कितना था 3.25, और बी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1.05 और सॉल्वेंट का कितना था 3.25, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट. इसी से निकालते हैं ना आर एफ वैल्यूज, तो रेशो निकालना है 3.25 कट गया, 1.05 2.08, तो रेशो क्या आया, 2:1 आया. सो द रेशो ऑफ आर एफ वैल्यूज ए टू बी इज 2:1, या फिर तुम क्या कह सकते हो, दिस इज 2 times, या फिर आप कह सकते हो आर एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 times ऑफ आर एफ वैल्यू ऑफ बी, ऐसे भी कह सकते हो. सो योर आंसर इज 2. तो दिस वॉज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो आंसर क्या आएगा इसका, दैट इज 2. सो 2 और ओ सी एच 3 में से एन ओ 2 का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है. क्लियर, ये आर एफ वैल्यू वाला क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आया. तो आर एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट. ठीक है, तो तुम्हें उससे इसके आर एफ वैल्यूज पता चल जाएंगे. सो इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, छोड़ के मत जाओ इस तरह के क्वेश्चन को. ठीक है, आंसर इज 2. अब अगला क्वेश्चन आया कि आपका द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म बाय द एल्केन्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, यानी कि C5, ये क्या है C5H2N, यानी कि H10+2, यानी कि मेरा एक तरीके का एल्केन ही है, ये कोई एल्कीन या एल्काइन या नहीं है. तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोनो डेरिवेटिव्स फॉर्म बाय द और एल्केन्स दे भी रखा था. ओके, तो यानी कि C5H12, 1 2 3 4 5, ठीक है, C5 और H12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. अब तुम्हें इसका ना मोनो डेरिवेटिव बनाना है, और उसने बोला है कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स रहने दो, तो यानी कि इस एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स. तो बच्चों ने स्टीरियो आइसोमर बना किया है, लेकिन हमारे को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लेने हैं, समझ गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लोगे, स्टीरियो नहीं लोगे. ठीक है, क्योंकि इसने एक्सक्लूड बोला है, इंक्लूड नहीं बोला है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं. अगर इस स्ट्रक्चर में तुम्हें मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनाने के लिए बोला जाए, यानी कि एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कराना है, तो कौन सा कराओगे, दिस इज ऑल्सो ए टाइप, 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 ए टाइप और ए टाइप. और कितने टाइप के बनेंगे, इधर से मेरे पास एक टाइप ये हो गया, ये बी टाइप है, ये भी बी टाइप है, ये भी बी टाइप है, ये भी बी टाइप है, ये सी है और ये सी है. तो मेरे को यहाँ से 3 बन गए, ठीक है, ए बी और सी टाइप बन गए. अब अगर मैंने इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाया, जैसे कि हम मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे इस मिथाइल को हैंग कर देती हूँ. ठीक है, तो ये भी मेरे पास मिथाइल हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, दिस इज दी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस इज दी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. अब मेरे पास कितने टाइप के हो गए, ए बी सी तो यहाँ हो गए थे, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन भी ए टाइप है, ये वाला हाइड्रोजन भी ए टाइप है, ये दोनों सेम टाइप्स के होंगे. ठीक है, ये वाला बी टाइप हो, सॉरी ये वाला ए टाइप हो गया, लेट्स से ये वाला बी टाइप हो गया, ये वाला भी मेरा सी टाइप होगा और ये वाला मेरा डी टाइप होगा. ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितने मिल रहे हैं, ए बी सी और डी, 4 तरह के मिल रहे हैं. ठीक है, अभी तो बस मैंने ये बनाया था. अब ट्राई करो कि अगर आपने कुछ और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कुछ और स्ट्रक्चरल चेंज किया, अब मैं मिथाइल को यहाँ ले आऊँ, एक ही बात पड़ेगी, मैं मिथाइल को यहाँ ले आऊँ, तो यानी कि अब मैं 3 कार्बन्स का चेन बनाती हूँ. 3 कार्बन्स का चेन मैंने बनाया, तो लेट्स से एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, 5 कार्बन्स थे ना, ऐसे बना दिया. अब ये हो गया 3 3
थ्री और थ्री, यानी कि अब देखो कितने टाइप के तुम्हारे पास मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये सब ए टाइप्स के रहेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी द ए टाइप्स, तो ए टाइप्स के ही हो गए, दिस इज इट। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बना सकते हैं क्या? नहीं, डी अलग होगा ना, ये वाले कार्बन पे ये दो मिथाइल ग्रुप सेम है, बट ये तो चेन हो गई ना, जैसे सी एच टू सी एच थ्री। वाइश ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने आइसोमर्स बनाया एंड आई एम जस्ट लुकिंग कि कितने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन आए, आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट, ठीक है, कितने डिफरेंट तरीके के हाइड्रोजन मेरे पास अवेलेबल है, बस हमने वो देखा है। तो यहाँ पे हमें ये वाला भी टर्मिनल है और ये वाला भी टर्मिनल है, तो ये सब ए ही हो गए ना, ये सब ए ही हो गए, यानी कि एक ही टाइप के हो गए ना, सो दिस इज इट। तो यहाँ पे ये ए बी सी, यहाँ पे चार मिल रहे हैं, यहाँ पे एक मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ आठ, तो एट इज द आंसर। ये क्वेश्चन दिखने में लगता है कि टाइम टेकिंग है, बट इट इज नॉट एट ऑल अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ओके। तो तुम्हें इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना लिया और इसके मोनो डेरिवेटिव बना लिया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, जब सी एल रेडिकल सी एच फोर रेडिकल से रिएक्ट करता है तो ए प्लस बी बनेगा। तो भैया बहुत ऑब्वियस है कि जब ये तुम्हारे पास सी एच फोर है तो ये रेडिकल बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या बना देगा, सी एच और एक सी एल लग जाएगा प्लस, यानी कि रेडिकल बनाएगा ना एक तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच सी एल, रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल छूट जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपन, करके देखो, तो सी एच थ्री रेडिकल बनना चाहिए क्योंकि इस रेडिकल ने इस हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लिया और एच सी एल बना दिया, तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा। सो योर आंसर हैज टू बी सी एच थ्री प्लस एच सी एल, सी हैज टू बी द आंसर। समझ आया, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली। तो देखो 6 क्वेश्चंस हो गए, तो ऑफ कोर्स है कि जीओसी के क्वेश्चंस तुम लोग बहुत जल्दी कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन है कि विच टेक्निक अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि प्योरिफिकेशन टेक्निक की बात हो रही है, क्वेश्चन आ गया प्योरिफिकेशन से, ठीक है, यानी कि कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी, इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, अगर तुम्हारे को 100 mg दिया हुआ है पैरा नाइट्रो फिनॉल और पिक्रिक एसिड क्या होता है, यानी कि ओ एच NO2 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दिस इज योर पिक्रिक एसिड, इन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, एनी आंसर, कोई आंसर, सिलिका जेल का लॉन्ग कॉलम लगाओगे, क्रोमैटोग्राफी करोगे, सब्लिमेशन करोगे, प्रिपरेशन टीएलसी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन करोगे। आपको पता है एक बात कि इस मॉलिक्यूल में तुम्हारी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो भी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि इस नाइट्रोफिनॉल का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी, देयर यू विल बी हैविंग द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होगा, तो कैसे निकालोगे, तो देर इज अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, और जब डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में तो किससे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से, किससे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। आप सुनो मेरी बात, क्या यूज करेंगे, ह्यूज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। आप देखो, तो बेसिकली जब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते थे, यू रिमेम्बर स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ यूज करते थे, स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज करते थे जब हमारे पास कोई एनिलीन होता था, एनिलीन होता था, उसको वाटर से रिप्लेस, वाटर और जब हमारे पास कोई एनिलीन हुआ करता था, तो वाटर और एनिलीन को सेपरेट करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सब्लिमेशन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड वोलेटाइल होता है, ठीक है,
नहीं, सब्लिमेशन उसके लिए होता है व्हेन यू हैव एनी ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज वोलेटाइल इन नेचर. जब कोई वोलेटाइल प्रॉपर्टी का कंपाउंड होता है तब सब्लिमेशन करते हैं. जब हमारे पास वाटर और एनिलीन दिया होता है, लिख लो अगर तो मेरे को नहीं आता है तो, जब भी हमारे पास वाटर और एनिलीन होता है, जब भी हमारे पास वाटर प्लस एनिलीन होता है तो हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं. ठीक है, क्योंकि एनिलीन एनिलीन एमाइन बन जाता है और उसकी प्रेजेंस में फिर हम लोग इसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं. लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म और एनिलीन होता है तो तुम क्या करते हो, सो दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ये तुम्हारे से रिएक्ट नहीं करता, तो इसके केस में तुम लोग सिंपल डिस्टिलेशन भी कर सकते हो. इसके केस में सिंपल डिस्टिलेशन भी कर सकते हो. सब्लिमेशन होता है जब कोई वोलेटाइल कंपाउंड होता है, जैसे कि वोलेटाइल कंपाउंड बोले तो जैसे कि तुम्हारे पास नैप्थलीन हो गया, नैप्थलीन हो गया. घर में देखा जब मम्मा वुलन्स में नैप्थलीन की बॉल्स डालती है तो वो सप्लाई हो जाती है, यानी कि वो सॉलिड से सीधे गैस बन जाती है ना. तो आपके लिए आपके पास इस तरह का कंपाउंड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नैप्थलीन हो गया है ना, तो इस तरह का कंपाउंड होना बहुत ज़रूरी है सब्लिमेशन होने के लिए. ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिलिका जेल का कॉलम क्रिएट करोगे या फिर पिपरेट टीएलसी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी या फिर क्रोमैटोग्राफी से भी हम लोग कर सकते हैं. देखो अभी हमने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया. अच्छा मुझे बात बताओ, अब इसकी सॉल्युबिलिटी लेस नहीं हो गई, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं हो जाएगी इसकी? क्यों? क्योंकि अब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज देर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो वाटर में थी डिक्रीज हो गई, एंड इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली इसने तो क्या करना है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से इसका वाटर से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. तो हम थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी भी तो कर सकते हैं, क्योंकि थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि जो कंपाउंड हमारा ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो क्या करता है, वो ऊपर चला जाता है. द कंपाउंड विच इज मोर सॉल्युबल वो ऊपर चला जाएगा, और जो कंपाउंड हमारा लेस सॉल्युबल है वो नीचे ही रहेगा. राइट, यानी कि वो मेरे सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होकर ऊपर चला जाएगा, वो नीचे रहेगा. तो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी से भी तो मुझे सेपरेट हो सकता है ये दोनों मेरे मिक्सचर्स. व्हाई वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, वी कैन आल्सो लुक फॉर द सॉल्युबिलिटी, इज़न्ट इट? क्लियर हो गया? सो डी हैज टू बी द राइट आंसर. तो डी हमारा राइट आंसर होगा. यस, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक. अब बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा. तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. मैं चेंज कर लेती हूँ पेन को एक बारी. डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 pi है. यहाँ पे यू हैव अ 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. हाँ पर डिलोकलाइजेशन है, बिल्कुल है. तो ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया. वट अबाउट दीज टू कंपाउंड? ये वाला कंपाउंड भी एक कंप्लीटली बेंजीन रिंग है, ठीक है, जो सब जगह डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, ठीक है, बेंजेनॉइड रिंग्स है. तो दिस इज अ बेंजेनॉइड कंपाउंड, और बेंजेनॉइड कंपाउंड्स तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन एरोमेटिक रिंग दे आर ऑलवेज एरोमेटिक. ये तो एरोमेटिक है. व्हाट अबाउट दिस गाइस? ये भी क्या है, होने को, इसमें भी तुम्हारे पास 10 pi इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी तुम्हारे पास 10 pi इलेक्ट्रॉन्स है. तो तुम्हें लगेगा मैम हक्कल रूल तो ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये खास बात है, ये जो तो दो हाइड्रोजन है ना, दे आर रिपल्सिव इन नेचर. और क्योंकि ये रिपल्सिव नेचर के होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है दिस इज नॉट प्लेनर, ये प्लेनर ही नहीं होता है. तो इफ दिस इज नॉट प्लेनर दिस इज नॉट एरोमेटिक. आ गया समझ? क्लियर? तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि इतने सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं, इसमें से कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट है जो कि एक्सट्रीमली स्टेबल है. सॉरी, तो व्हेन वी हैव टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन, तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है. डाइजोनियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है ना. अगर तुम इसका सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव एंड दिस इज सीएल नेगेटिव. ठीक है, तो जो भी कंपाउंड है तुम्हारे को स्टेबिलिटी, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको स्टेबलाइज करना है तुम्हें. तो ये OCH3 क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबल करेगा. ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया. ठीक है,
तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जो जितना ज्यादा प्लस एम वाला होगा, देन प्लस आई वाला, देन हाइड्रोजन वाला, देन माइनस आई, देन माइनस एम, दैट विल बी द राइट ऑर्डर. तो प्लस एम वाला हमारे को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है. बी में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, बी में ये जो एनओ टू है ये क्या शो कर रहा है, ये तो बल्कि माइनस एम शो कर रहा है ना, ये तो बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, आपका पुल कर लेगा. तो ये तो क्या हो गया, एक तरीके का माइनस एम वाला ग्रुप हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. और ये जो तुम्हारा साइनाइड है ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को पुल ही करेगा, तो ये भी एक तरीके का क्या कर रहा है, ये भी माइनस एम ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी माइनस एम ही शो कर रहा है. और यहाँ पे वी हैव सिंपली हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है ए की, देन आफ्टर उसके बाद स्टेबिलिटी है सी की. और बी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, एनओ टू का स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट होता है, तो एनओ टू सबसे लास्ट में आएगा. तो तुम पहले साइनाइड लिखोगे, साइनाइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी लिखोगे, उसके बाद बी लिखोगे. सो दिस इज द राइट ऑर्डर. तो ऑप्शन यानी कि मोस्ट स्टेबिलिटी ऑप्शंस कहाँ गए इसके, अच्छा ऑप्शंस यहाँ पर है. तो हमने क्या ऑप्शन बनाया था, बेसिकली ए सी डी बी, ए सी डी बी होना चाहिए, ए सी डी बी होना चाहिए, यस यही आ रहा है, आ गया ए सी डी बी ही आ रहा है, इज इट क्लियर. तो डाइजोनियम सॉल्ट, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देके इसको न्यूट्रलाइज करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इज इट क्लियर. ओके, मूविंग अहेड विद द अनदर क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज पर आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज, आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, सल्फोनिक एसिड को, एस्टर्स को, एसिड को, किसको सबसे ज्यादा दी जाती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप बता दो पहले कौन सा होता है. सबको पता होगा यार, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है, ठीक है, पहले सबसे पहले COH आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, ठीक है, द फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. अब उसके बाद अमाइड आता है कि एस्टर आता है या फिर एसिड हैलाइड आता है, ये बताओ. यानी कि यू नो सबसे पहले एसिड्स होते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी में पहले एसिड्स होते हैं, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स होते हैं, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स होते हैं, उसके बाद कहीं जाके नंबर आता है तुम्हारा नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का नंबर आता है, फिर उसके बाद थायोल्स और एल्कोहल्स का नंबर आता है, और उसके बाद फिर अमीन्स का नंबर आता है. सो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, तो यूजुअली ये ऑर्डर फॉलो होता है. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, जिसमें अमाइन को पहले दिया हुआ है कीटोन से, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है. साइनाइड का बाद में, तुम्हें तो ऑप्शन नंबर ए और डी में से चूज करना है, बता दो पहले एस्टर आता है कि अमाइड आता है कि एसिड हैलाइड आता है, एसिड हैलाइड ऑफ कोर्स है बाद में आता है. नाउ व्हाट इज द राइट आंसर, अमाइड आएगा, फिर एसिड हैलाइड, फिर एल्डिहाइड, राइट. जल्दी से मैंने तुम्हें ये ऑर्डर तो बता दिया, अब मुझे एग्जैक्टली बताओ कि एग्जैक्टली ऑर्डर क्या होता है. चलो, ये आईयूपीएसी नेमिंग का इतना बेसिक सा क्वेश्चन है जो तुम हमेशा गलत करते हो, इसको पहले ठीक करो. सारा लिखो, पहले तुम्हें इतना बता दिया, पहले एसिड्स होते हैं, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स होते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं, फिर उसके बाद थायोल्स एल्कोहल्स आते हैं, फिर अमीन्स आते हैं, ठीक है. सो दिस इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो एसिड्स तुम्हारे दो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और सल्फोनिक एसिड्स, तो पहले कौन सा आएगा. चलो लेट अस स्टार्ट राइटिंग. एसिड्स में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखवाया है और सल्फोनिक एसिड लिखवाया है. अब देखो इसमें कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब में अलग अलग कंपैरिजन है. इसमें एल्डिहाइड दे रखा है, इसमें एमाइड दे रखा है, इसमें एस्टर दे रखा है, तो सब में अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. ऑप्शंस देख के शॉर्टकट मार के काम नहीं चलेगा. फिर डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स में क्या क्या आता है, पहले क्या आता है, पहले आता है एनहाइड्राइड्स, यानी कि पहले आते हैं एनहाइड्राइड्स, और एनहाइड्राइड्स के बाद क्या आता है, फिर आते हैं तुम्हारे एस्टर्स आते हैं, पहले ओ वाले ग्रुप्स आते हैं जिसमें ओ आएगा, जिसमें ओ आएगा, मैक्सिमम ओ आएगा. फिर अमाइड्स के बाद जब यानी कि तुम्हारे एस्टर्स आ गए, एस्टर्स के बाद क्या आता है, एस्टर्स के बाद क्या आता है, यानी कि ओ ओ आ गए, फिर तुम्हारे पास एसिड हैलाइड आता है, यानी कि फिर हैलोजन आता है, फिर हैलोजन के बाद अब फिर जाके तुम्हारे पास कहीं जाके अमाइड आता है, और अमाइड जब आ जाता है यानी कि ये तुम्हारे चारों क्या हो गए, दीज आर दी एस्टर्स डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स. यानी कि पहले क्या आया,
पहले एनहाइड्राइड आया, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर आया यानी कि ओओ वाले ग्रुप्स आए, फिर सीएल वाला आया, फिर एन आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, जब तुम्हारे ये आ जाते हैं उसके बाद आता है फिर तुम्हारे पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो जिसमें से आइसोसाइनाइड का पहले प्रायोरिटी होता है, फिर उसके बाद आइसोसाइनाइड की प्रायोरिटी होती है। फिर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एल्डिहाइडो कीटोन्स आ जाएंगे, है ना, यानी कि दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाएंगे। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बाद फिर तुम्हारे को मैंने बता दिया कि थायोल्स और एल्कोहल्स आ जाएंगे, तो जो हमारा थायोल्स और एल्कोहल्स में भी एल्कोहल पहले आएगा, फिर बाद में तुम्हारा थायोल आएगा और उसके बाद NH2 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि NH2 लीस्ट प्रायोरिटी होता है, तो सी वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। अब इसे अगर तुम देखते हो ऑप्शन नंबर डी को, तो ये ठीक है, लेकिन ये ठीक है, पर NH2 और COCl में कौन पहले आता है? देखो मैंने क्या लिखवाया है, अमाइड और एसिड हैलाइड में एसिड हैलाइड पहले आना चाहिए था, यानी कि ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब ए की बात कर लेते हैं, ए में तुमने देखा कार्बोक्सिलिक पहले आते हैं, ठीक है। अब अमाइड पहले आता है क्या, ये एसिड हैलाइड पहले आता है, वही गलती हो गई यहाँ पे भी, एसिड हैलाइड पहले आता है और अमाइड बाद में आता है, याद रखो हैलाइड पहले आता है, अमाइड बाद में आता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड, यानी कि ये ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये भी गलत है, फिर तो सब गलत हो गए। अब ऑप्शन नंबर बी को देखो, तो सल्फोनिक एसिड ठीक है, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड हैलाइड के बाद एसिड अमाइड दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद साइनाइड दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, दिस इज हाउ वी हैव टू डू, तो यू प्लीज लर्न द ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा याद रखो यार, एक नए क्वेश्चन जरूर से आ जाते हैं इस चीज पे, ठीक है, किसी ने सोचा था, तो दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो JEE 2022 में पूछा गया था, ठीक है, 26 जुलाई 2022 के पेपर में आया था, एंड द आंसर इज बी। अब ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। assertion ए में कह रहा है वो कि जो हमारा 6-anulene है, 8-anulene है एंड द cis 10-anulene आर रेस्पेक्टिवली aromatic, नॉट aromatic और aromatic, यानी कि ये कह रहा है कि ये हमारा aromatic होता है, ये हमारा नॉट aromatic है और ये हमारा aromatic है। तो थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व कर ले कि ये कितना सही कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। इसने कहा ये एरोमेटिक है, 6-anulene, एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल ठीक है। 8-anulene नॉट एरोमेटिक है, एब्सोल्युटली राइट, है ना, मुझे लगता है ठीक है। व्हाई? बिकॉज ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, याद है तुम्हें, ये अपनी प्लेनारिटी लूज कर देता है, यानी कि ये ऐसे बन जाता है, है ना। 8-anulene क्या होता है, दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, सो डेफिनेटली इट इज नॉट एरोमेटिक। जब सिस 10-anulene की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, मैंने अभी भी बताया था, ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं ये रिपल्शन कॉज करते हैं, और रिपल्शन कॉज करते हैं, अब तुम बोलोगे मैम ये तो सिस नहीं है, ये तो एक तरीके का ट्रांस है, तो एक काम करते हैं इसका सिस 10 बना लेते हैं। सिस बनाओगे तो कैसा बनेगा, सिस बनाओगे तो कैसा बनेगा, यानी कि 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 और बनाना है ना यार, मुझे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, बट सिस बनाने के लिए ठीक है, यानी कि एक और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा एक तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया अगर मैंने सिस एनुलीन बनाया तो, लेकिन डोंट यू थिंक कि इसमें ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। मेरे हिसाब से तो अगर तुम सिस 10-anulene बना भी दोगे, यानी कि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रख भी लोगे, तो भी क्या होगा, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा? नहीं, इट विल लूज इट्स प्लेनैरिटी, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉट प्लेनर, ये तब भी इस प्लेनर नहीं रहेगा, और नॉट प्लेनर होने की वजह से दिस इज एरोमेटिक, नो दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो मेरे हिसाब से जो पहला वाला पॉइंट है कि ये है, दिस इज रॉन्ग।
यानी कि ए वाला ठीक है, एरोमेटिक है, बी वाला भी ठीक है, इट इज नॉट एरोमेटिक, बट सी वाला इज नॉट राइट. अब ये कह रहा है, रीजन दे रहा है कि प्लेनैरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम्स. बिल्कुल सही है, प्लेनैरिटी तो बहुत जरूरी होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, जो कि यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है. तो एजर्शन तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. रीजन तो सही है, रीजन तो सही है ना. बिल्कुल ठीक, क्लियर. तो यानी कि एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिसिटी से तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है. मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और ये क्वेश्चंस तुम्हारे बार बार आते हैं. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी डन इन वन ऑफ द कोर्स, दैट इज पीओसी. तो पीओसी पे मैंने एक लेक्चर लिया था जहाँ पे ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, सो प्लीज गो थ्रू इट. तो इसको जरूर से पढ़ लेना, तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा. अगला क्वेश्चन ये भी केरियस मेथड से है, यानी कि हेलोजन का एस्टिमेशन है. दिस इज ऑल्सो इन वन ऑफ द कोर्स पीओसी, मैंने डिस्कस किया हुआ है. ये कुछ क्वेश्चन मैंने स्पेशली सिलेक्ट करके डिस्कस किए थे, तो प्लीज डू इट फ्रॉम देयर. अब ये क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन इनिशियोमेरिक मिक्सचर इज दिस एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ पॉजिटिव आइसोमर इज दिस. दी ऑप्टिकल प्योरिटी इज, कितना ऑप्टिकल प्योरिटी आएगा. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनिशियोमेरिक मिक्सचर है, एक मिक्सचर की जो इनिशियोमेरिक मिक्सचर की पोलैरिटी है दैट इज 12.6 है, पॉजिटिव 12.6 डिग्री है, और जो स्पेसिफिक रोटेशन है एक पर्टिकुलर आइसोमर की दैट इज 30 डिग्री है. तो ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकालते हो, हाउ यू फाइंड आउट दी ऑप्टिकल प्योरिटी. ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने का तरीका मैंने तुम्हें क्लास में बताया है. सो व्हाट इज द राइट मेथड टू फाइंड इट, कैसे निकालते हो, ऐसे करके 30 डिग्री बाय 12.6 करके. नहीं, ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकलता है, यानी कि 12.6 का इनिशियोमेरिक मिक्सचर है, दिस इज द इनिशियोमेरिक मिक्सचर डिवाइडेड बाय द प्योरिटी कितनी की है, 30 डिग्री की है, ठीक है. तो कितना आएगा, 12.6 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो प्योरिटी का परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. कितना आ रहा है आंसर, 3 4 12 3 2 6 4.2 × 10, यानी कि 42% आ जाएगा. Is it? तो जो भी आपका इनिशियोमेरिक एक्सेस होता है, यानी कि आपका ये जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, इनिशियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय द ऑप्टिकल प्योरिटी. अगला क्वेश्चन ये है, देखो वापस इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि दिस इज अगेन फ्रॉम द प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स. प्यूरिफिकेशन से वापस एक और क्वेश्चन आ गया. अब इसे लगाओ, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, यानी कि CHCl3 और एनिलीन तुम्हारे को दिया गया है. अब ये क्या होता है, CHCl3 और एनिलीन. एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और क्लोरोफॉर्म एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. सॉरी मैं एरोमेटिक बोल रही हूँ. दिस इज मोर पोलर, एनिलीन इज मोर पोलर, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बट क्लोरोफॉर्म में क्या ये डिजोल्व होगा, नहीं है ना. सो दे विल बी नो इंट्रैक्शन, तो यानी कि इनमें इंट्रैक्शन नहीं होगी, तो यानी कि दे विल फॉर्म द आइडियल वेपर प्रेशर. तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को किससे सेपरेट कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शंस नहीं होंगी, इनका वेपर प्रेशर अलग अलग रहेगा. अगर तुमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो भी तुम्हें समझ में आएगा. क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, यानी कि इनमें जो तुम्हारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, यानी कि जो इंट्रैक्शंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी. इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, रिमेन द सेम. तो अल्टीमेटली वी कैन सिंपली डू द डिस्टिलेशन, ठीक है. अब सिमिलरली वाटर और एनिलीन में क्या होता है, अब एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वाटर भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त इंट्रैक्शन होंगी, राइट. यहाँ तो इंट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, एनिलीन वाटर के साथ जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. तो एनिलीन और वाटर को किससे सेपरेट करेंगे, तो इंट्रैक्शन बढ़ गई, तो क्या आप डिस्टिलेशन करा पाओगे सिंपल सा, नहीं. अब क्या कराओगे, अब सी का क्या कराओगे, अब सी का कराओगे स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा हमें. तो याद रखो, एनिलीन को वाटर के साथ स्टीम डिस्टिलेशन कराना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट इंट्रैक्शन बिटवीन देम, बट क्लोरोफॉर्म के साथ वो इंट्रैक्शन शो नहीं करता बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नो इंट्रैक्शन लाइक दिस.
अब बेंजोइक एसिड है और तुम्हारे पास नेप्थलीन है, और यहाँ पे नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड है. अब याद करो, नेप्थलीन बॉल्स यानी कि नेप्थलीन बॉल्स जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी रखती है, अब उनको अगर मैं NaCl के साथ ले रही हूँ तो ये दो सॉलिड्स है, ठीक है. एक सॉलिड है जो कभी वेपराइज नहीं होगा, विच इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और जो ये वाला सॉलिड है दिस इज टोटली वोलेटाइल. तो इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जब एक चीज वोलेटाइल है और एक चीज नॉन वोलेटाइल है, कैसे सेपरेट कर सकते हैं? डोंट यू थिंक कि हम इसमें सब्लिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि नेप्थिलीन तो उड़ जाएगा है ना, लेकिन सोडियम क्लोराइड उड़ेगा नहीं. सिंपल, हम लोग सब्लिमेशन कर सकते हैं. और बेंजोइक एसिड और नेप्थिलीन यानी कि ये तो उड़ जाएगा, ये तो वोलेटाइल है. और बेंजोइक एसिड क्या है, क्या बेंजोइक एसिड वोलेटाइल है? नो, बट बेंजोइक एसिड इज अ लिक्विड. बेंजोइक एसिड लिक्विड है, और एक एसिड क्या करेगा, ये इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इसका एग्रीगेट बन जाएगा, यानी कि एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो बेंजोइक एसिड जब आपस में एग्रीगेट बना लेगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जब मोर नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो डोंट यू थिंक कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा. एसिड जनरली क्रिस्टलाइजेशन में चले जाते हैं, राइट. तो जो हमारा ये नेप्थिलीन है तो इसमें ये क्रिस्टलाइजेशन में चला जाएगा. तो बी का होना चाहिए फोर्थ, बी का होना चाहिए फोर्थ, ए का होना चाहिए थ्री, सी का होना चाहिए वन, ये तो क्लियर है, और डी का होना चाहिए टू, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है. तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी. मुझे बताओ, समझ रहे हो? यू हैव टू लुक फॉर द इंट्रैक्शंस, क्योंकि हमें दो चीज़ों को सेपरेट करना है. तो दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, यानी कि प्योरीफाई करने के लिए, उनके नेचर्स कैसे हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड एक टिपिकल सॉलिड था जो वेपराइज नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सब्लिमेशन कर रहे थे, ठीक है. अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो. अरे बाप रे, इजी से इजी क्वेश्चंस जेई में आ रहे हैं, यानी कि तुम्हें पता है ये कैसा कंपाउंड है, उल्टा चलता है, ये कैसा कंपाउंड है, रेजोनेंस में जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जाएंगे, एरोमेटिक हो गया. तो भैया डी तो तुम्हारा एरोमेटिक है, डी तो एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है? नो, ये तो एरोमेटिक नहीं है. दिस इज अ नॉन प्लेनर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यस दिस इज अ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बट इन्होंने नॉन प्लेनर क्यों दे रखा है? बिल्कुल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनारिटी होगी, नहीं होगी. तो ए का हो गया 3 और इसका हो गया ये, और इसे क्या बोलते हैं सर, दीज आर द फ्यूज रिंग्स एंड दी, ये इसे क्या बोलेंगे? तो गाइस, ये वाले कंपाउंड्स तुम्हारे स्पायरो होते हैं, जहाँ पे एक से लिंकेज होता है, दिस इज द स्पायरो कंपाउंड, स्पायरल है ना. जैसे अगर किसी चीज को स्पायरल बाइंडिंग में भी ऐसे करके मोड़ दिया जाता है ना, तो स्पायरल, ठीक है. और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो साइक्लिक रिंग्स होती है, दीज आर नोन एज द बाईसाइक्लो. तो तुम्हारा हो गया ए का आंसर है 3, ए का 3 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी खत्म. यानी कि डी का क्या है, डी का है 2, ऑफ कोर्स ए का 3 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो करके जाओ यार, GOC इज द टॉपिक विच इज वेरी इजी. अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन्स, यानी कि ये प्रोटॉन्स कुछ कुछ मार्क्ड है, यहाँ पे ये 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 मार्क्ड है. ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लोएस्ट PKa, यानी कि अगर किसी चीज का PKa सबसे कम होगा तो उसका Ka सबसे ज्यादा होगा. के सबसे ज्यादा, तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है यहाँ पे? वेरी इजी टू गिव योर आंसर, कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक? मार्क्ड हाइड्रोजन की बात की है, कोई भी रेंडमली हाइड्रोजन मत देख ले बैठने, मार्क्ड हाइड्रोजन की बात की है. देखो, अगर इसमें मार्क्ड हाइड्रोजन हटाओगे तो ये बनेगा CH2 नेगेटिव और COOH, ये बनेगा. इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो बनेगा, अपनी मर्जी से मत चलना, मार्क्ड हाइड्रोजन बोला था उसने, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा. यहाँ पे निकालोगे तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा. अब बताओ, डी फॉर IIT दिल्ली. अच्छा, डी इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि आपने कहा मैम दिस इज अंडर गोइंग रेजोनेंस, ये यहाँ पे भी रेजोनेंस में है, तो ये तो यहाँ पे भी हो रहा है और ये तो यहाँ पे भी हो रहा है. अब वॉट इज द डिफरेंस कॉज बाय दिस मिथाइल और दिस OH, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सो दिस इज द स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इतना पोर्शन तो दोनों में कॉमन है,
इतना पोर्शन तो दोनों में कॉमन है, ये मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन दिस ओएच इज कॉजिंग दी माइनस आई इफेक्ट, क्लियर? तो डी हैज टू बी द आंसर. ठीक है, तो हमने देखा कि रेजोनेंस में तो ये और ये दोनों ही जा रहे थे ना, तो रिलेटिवली दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. और इसमें देखोगे तो इतना पार्ट तो कॉमन है, बट यहाँ पे तो बेंजीन भी लग गया, तो दिस दैट्स व्हाई ए और डी में भी अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज मोस्ट एसिडिक. डी इज मोस्ट एसिडिक. द आंसर इज गिवन एज सी. OH रेजोनेंस पर तो जा ही रहा है, बट रिलेटिवली हमारे लिए तो करेगा ना. सी हैज टू बी द आंसर करेक्ट. डी डी हैज टू बी द आंसर करेक्ट कर लो इसे. डी हैज टू बी द आंसर. अगला क्वेश्चन मूव करते हैं. गिवन ब्लो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. एजर्शन ए कह रहा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. अच्छा ये बताओ, जो हमने TLC पढ़ा है जिसमें सॉल्वेंट चला जाता है, कोई सॉल्यूट्स अलग अलग पॉइंट्स पे चले जाते हैं, दिस इज अ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, और ये कह रहा है रीजन है अ थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट. हाँ जी बिल्कुल, ऑफ सुटेबल साइज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच एक्ट एज अ एडसॉर्बेंट, जो कि हमारी एज एन एडसॉर्बेंट काम करती है. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो इज दिस द एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और इज दिस द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. किस तरह का क्रोमेटोग्राफी होता है? दिस इज बेसिकली अ टोटली अ थ्योरेटिकल आंसर. क्या है ये? बिल्कुल, जो तुम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हो उसमें तुम करते यही हो कि तुम एक ग्लास का एक थिन लेयर सा प्लेट ले लेते हो और उस प्लेट पे क्या करते हो, सिलिका का स्प्रे कर देते हो, और वो जो सिलिका होता है इट एक्ट एज एन एडसॉर्बेंट, और फिर वो क्या करता है, फिर तुम उसे किसी भी सॉल्वेंट में रख देते हो, सॉल्वेंट राइज करने लगता है और तुम्हारे जो साथ में जो भी तुम उसमें जो कंपाउंड्स डालते हो, जितने सॉल्युबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, वो भी ऊपर की तरफ राइज करने लगता है. सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल एब्सोल्युटली. और ये भी बिल्कुल सही है कि ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज की तुम्हें लेनी पड़ती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक्ट एज एन एडसॉर्बेंट काम करती है. तो बिल्कुल ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये सिंपल NCERT बेस्ड चीजें हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ के जाओ. प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स एटलीस्ट जितनी NCERT में दे रखी है उतना एक बार रीड मार लो, और साथ ही साथ जो तुम्हारा स्टीम डिस्टिलेशन और ये सब है, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ऑल दीज आर वेरी इजी थिंग्स. ओके, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया हुआ है. दिस इज द डूमास मैथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन विच इज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन वन ऑफ माई क्लास, दैट इज ऑफ POC. तो POC में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, मैं आज वापस से याद दिला रही हूँ, कर लेना. आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इन माई टेलीग्राम ग्रुप टूडे. करेक्ट स्ट्रक्चर, वी आर इन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर है, एंड 19 के बाद 20 दो क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड. तो दिस इज योर कार्बेल्डिहाइड. तो ये क्वेश्चन आया गया है कि गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का राइट स्ट्रक्चर क्या होगा. तो बता सकते हो अल्फा बीटा गामा, और गामा पे मिथाइल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इथाइल, इट हैज टू बी मिथाइल. कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड और गामा मिथाइल बोला हुआ है. छोटा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में कि ये इथाइल नहीं है, ये मिथाइल है. ये करेक्शन कर लो. एंड दिस इज नॉट इथाइल, दिस इज मिथाइल. करो अब क्वेश्चन. साइक्लोहेक्सेन रूट वर्ड सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान रख लो बेटा. रूट वर्ड सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है और कार्बेल्डिहाइड है. मैंने ये हटा दिया है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा. आया क्वेश्चन? यू नो कार्बेल्डिहाइड कब बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड हम तब बोलते हैं जब मैंने किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप को मैं अल ना बोल के कार्बेल्डिहाइड बोल रही हूँ. यानी कि मैं इसको हेक्सेन अल बोल सकती थी ना, लेकिन मैं इसे कार्बेल्डिहाइड बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके कार्बन को रूट वर्ड में काउंट नहीं किया. रूट वर्ड मेरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड और गामा मिथाइल. तो यानी कि दिस इज अल्फा बीटा और गामा, तो यही होना चाहिए था. ठीक है, साइक्लोहेक्साइड, बट दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज बीटा मिथाइल. ये तो कार्बेल्डिहाइड्स है भी नहीं है, ये तो इवन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड भी नहीं है. बीटा गामा तो दूसरी बात है. ओके, सो द राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं आएगा.
ठीक है. सो यस, ये हटा देना, दिस इज द करेक्शन, यू हैव टू मेक इट. अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. स्टेटमेंट वन कह रहा है द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और टू कह रहा है इज द मिरर इमेज ऑफ द कंपाउंड ए. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो कंपाउंड ए है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. अब देख लो जरा क्या ये वाकई में ऑप्टिकली एक्टिव है. कायरल सेंटर तो मुझे नजर आ रहा है, एक ही कायरल सेंटर है, इज ऑप्टिकली एक्टिव. और स्टेटमेंट नंबर टू कह रहा है इज द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड ए, यानी कि ये जो है इसका मिरर इमेज है. सच्ची है इसका मिरर इमेज है. देखो जरा CH3 यहाँ पे सिस है, ट्रांस है, क्या है, ट्रांस और सिस. हाँ, व्हाट डू यू थिंक? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच हैव वन कायरल सेंटर एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं जी. वन इज ट्रांस एंड द अनदर इज सिस, तो अलग अलग आइसोमर्स है. सो दिस इज अ स्यूडो सिमेट्रिक सेंटर बेसिकली. ठीक है, इस तरह के सेंटर्स को क्या बोलते हैं? स्यूडो सिमेट्रिक सेंटर. सो डेफिनेटली इसकी और इसकी जो प्रायोरिटीज है वो अलग अलग है. तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? डेफिनेटली दिस इज सेट टू बी दी ऑप्टिकली एक्टिव. तो मैं तुम्हें बता दूँ तो जो प्रायोरिटीज दी जाती है वो हमेशा जो सिस आइसोमर होता है उसको ज़्यादा दी जाती है. तो पहला प्रायोरिटी इसको जाएगा, दूसरा इसको जाएगा, तीसरा इसको जाएगा और चौथा इसको जाएगा. तो मैं अगर रोटेशन करा रही हूँ, फोर्थ इज ऑलरेडी बिलो द प्लेन. अब देखो रोटेशन कराओ, देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर. तो रोटेशन कराओगे तो क्या आ रहा है? एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, यानी कि एस कॉन्फिग्रेशन आ रहा है, एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. अब इसको चेक कर लो. अब देखो उन्होंने इस पे भी सिस बनाया, इस पे भी ट्रांस बनाया, ये भी अबव है, ये भी बिलो है. तो यानी कि सब कुछ ही सेम हो रहा है. सिस वाले को प्रायोरिटी, इसको वन प्रायोरिटी दे देंगे, इसको टू प्रायोरिटी दे देंगे, इसको थ्री प्रायोरिटी दे देंगे, इसको फोर प्रायोरिटी दे देंगे. अब मैंने अगर इसे मूव कराया वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, तो यानी कि मेरा वापस से एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, यानी कि ऐसे ही आ रहा है. सो आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर? नो, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर द आइडेंटिकल आइसोमर्स. ये आइडेंटिकल है. तो स्टेटमेंट नंबर वन ये कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है. क्या स्टेटमेंट नंबर वन ठीक है? क्या स्टेटमेंट नंबर टू ठीक है? दिस इज अ सुपर इम्पोजिबल आइसोम, दिस इज अ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. इज दिस अ मिरर इमेज? नो, दिस इज नॉट अ मिरर इमेज. सो स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट. वी कैन से दैट. ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं ना, कि भैया स्टेटमेंट नंबर वन तो ठीक है बट टू गलत है. क्योंकि यानी कि एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तो है, लेकिन जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल तुम्हें दिख रहा है वो तो सेम ही है ना, दोनों का एसएस कॉन्फिगरेशन है. राइट, सो वन इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट. सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई बिलीव यू पीपल गॉट योर आंसर्स करेक्ट. तो जीओसी इज अ टॉपिक व्हिच हैज टू बी डन, उसको छोड़ो मत. और तो बस आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. लेट मी शेयर माई टेलीग्राम ग्रुप आईडी विद यू, विच इज मैं तुम्हारे साथ अपना टेलीग्राम आईडी शेयर कर देती हूँ. वहाँ पे तुम्हारे को सारा इसका पीडीएफ और एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, सब भेज देंगे. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट. Join it as soon as possible. और अगर समझ में आया है पूरा क्लास आज का और अगर पढ़ना है मेरे से कंटिन्यूसली, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक एंड कॉमेंट जो भी दिल में आ रहा है जरा लिख दो, ठीक है. आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फीडबैक. दोनों ही फीडबैक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है. तो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. टेलीग्राम लिंक मैंने तुम्हें दे दी है. तो क्वेश्चन लगा लगा के भी रिवाइज करोगे तो भी बेहतर रहेगा इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है. राधर देन पूरा टॉपिक रिवाइज करने बैठोगे तो टफ हो जाएगा. इफ़ यू हैव प्रिपेयर दी शॉर्ट नोट्स, मैंने अपने बच्चों को हमेशा आइसोमेरिज्म या कोई भी टॉपिक पढ़ाते हुए हमेशा शॉर्ट नोट्स बनवाती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज इट ईजिली. तो प्लीज डू दैट अगर तुम्हारे पास है तो, नहीं है तो आई विल शेयर द नोट्स विद यू ओवर माई टेलीग्राम ग्रुप. डू ज्वाइन मी देयर.